गरीब आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाए तो आज हमारी आवाज़ को दबाने गए हुए। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो गरीब आवाम के लिए हम आवाज़ उठाए थे वो आवाम आइए, जो फ्रॉड हुए उनके हाथ से आइए हमारे पास आके, जो अपनी तकलीफ आए बताइए, मीडिया के सामने रखिए आप। नहीं, हमने अब तक जो भी बताया GHMC डिमोलिश की वो हमने बताया, तो ये इलीगल कहाँ से हो गया, ये वीडियो इलीगल कहाँ से हो गया। सनवर बेग जो है हमको कमज़ोर समझ कर डराने की कोशिश कर रहा है। सनवर बेग को हम ये बता दें, अभी वो नादान बच्चा है, मीडिया वालों पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए। हम जो भी न्यूज़ बताया, ईडी की रेट उनके मकान पे उनके ऑफिस से पड़ी है वो हमने बताया, तो इलीगल कहाँ से हो गया ये सवाल हमारा उठता है। तो बहरहाल जो भी हो, ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं, डट के सामना करेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। हम सभी मीडिया वाले एक साथ खड़े हैं, और प्राइट इंडिया एक छोटी सी कंपनी है, देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इतनी ताकत हम में है। मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं, मगर शहर हैदराबाद की प्राइट इंडिया जो कंपनी है, उनके कंपनी के जो चेयरमैन है सनोवर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए एक तो कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हिंदू मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब के जरिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक CMA फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्जी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके ज़रिए हक़ और बातिल का फैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइड इंडिया कंपनी के जो काली करतूते थे उसको आवाम के सामने उजागर करते आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके ख़िलाफ़ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है, जो सरासर मीडिया के ख़िलाफ़ में काम किया जा रहा है, और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट हमको इसका एक हक का फैसला देगा, हमको ये उम्मीद है, और हम लोग आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए सनोवर के एक्टिविटीज़ को बाहर पेश किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में होमवर्क किया है उसमें ये मालूम पड़ा है इनके डजन्स ऑफ FIRs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी है, मैक्सिमम 420, 506 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असॉल्ट करने के केसेस इन पर बुक किए हैं। मगर ख़ास बात यह है, अब यानी इतने सारे FIRs रहने के बावजूद भी सनोवर बेग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि अब तक वो आवाम के थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ को खा चुके हैं। आप लोगों को सनोवर के एक्टिविटीज़ मालूम है, प्राइड इंडिया कंपनी किस तरह से लोगों को अब तक डुबाते आई है, मगर अब तक इनके खिलाफ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यानी डजन्स ऑफ इनके ऊपर केसेस है। मगर इनके आप मीडिया के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे अप्रोच होने का मतलब क्या है, किस वजह से आप लोग यहाँ पे अप्रोच हुए, सनोवर में मीडिया हाउसेस के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए? देखिए, उनके कोई एक आदमी है, उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है सभी को एक नोटिस सर्कुलेट किया है कि मीडिया की आवाज़ को दबाना है, उनके ख़िलाफ़ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं बताना है। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है सनोवर से, हम आवाम की जो तकालीफ थी, आवाम के साथ जो धोखा किया जा रहा था, उनके अपने एक्टिविटीज़ को हम आवाम के फेवर में ही बता रहे थे कि आवाम की तकलीफ़ें क्या हो रही है, आवाम को प्राइड इंडिया कंपनी की तरफ से किस तरह की तकलीफ़ें हो रही है उसको उजागर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली उन्होंने बुकलाट का शिकार हो गए और कई मरतबे हम लोगों को थ्रेट भी किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस डालने के धमकियाँ भी दी गई है। उसको लेकर हम लोग अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं ताकि हम लोग को ये इंसाफ मिल सके, और यह उम्मीद है ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। और अभी भी कुछ देर पहले उनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर एक फ्रेश केस बुक किया है, तो हमारी यही एक बात है, अगर पुलिस वाले इस तरह से अगर काम करते हैं तो आइए हम लोग ठहरे हुए हैं, अगर हम लोग झूठे हैं, हम लोग अगर फॉल्स हैं, हम लोग अगर फोर्जरी करे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। मगर हुकूमत तेलंगाना और ख़ास करके सिटी पुलिस के कमिश्नर CV आनंद और दूसरे रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब है और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर है स्टीफन रविंद्रा साहब, हम सबसे अपील करते हैं और तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ में सख्त एक्शन ले, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज आवाम को काफ़ी नुकसान हो रहा है और हैदराबाद की आवाम अपने 125 करोड़ हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए इनके पास स्पेंड कर चुकी है। वो एक झूठा दिलासा दिलाते हैं, झूठा एक आईना बताते हैं, उसके जरिए ही वो लोगों को अपना ट्रैप करते हैं, मगर उनके जो भी वेंचर्स होते हैं वो लिटिगेशन का शिकार है।
जैसे कि अभी एक और एक कुछ दूसरा इनका लेटेस्ट वेंचर शुरू होने वाला है, ऐसे कई सारे वेंचर्स हैं। इतने कम वक्फे में हम लोगों ने इतने सारे डजन्स ऑफ एफआईआर्स को कलेक्ट किया है और ना जाने ऐसे कितने एफआईआर्स होंगे, उस बात का तो अभी इंशाल्लाह हम लोग और एक दो तीन दिन में उस पर होमवर्क कर रहे हैं, दो तीन दिन के बाद में और आप लोग के सामने हम लोग खुलासा करेंगे। आप सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने अपना वक्त लिया। और एक आवाम से अपील है, जो जो भी प्राइड इंडिया का शिकार है, जो जो भी प्राइड इंडिया के विक्टिम्स है, आप लोग बाहर आइए, आप लोग बाहर आइए, हम लोग आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पिछले कई टाइम से साथ दे रहे हैं। मेरे साथ सच न्यूज़ के शरफुद्दीन साहब भी है, हॉक मीडिया के तनवीर साहब भी है, सिटी मीडिया के शहबाज भी है, और मेरे सभी भाई है हबीब भी है, सभी भाई लोग मौजूद है, सभी लोग हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग बिना झिझक बिना डर खौफ के आइए, ऐसे धमकियाँ तो सभी को मिलते रहेंगे मगर हक का साथ बराबर साथ दीजिए और बराबर अपनी लीगल बैटल, जो कोर्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट के आगे सभी को, कोर्ट का जो भी फैसला होता सभी को मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अभी तक 32 मीडिया हाउसेस पे उन्होंने कंप्लेंट दिया है कि ये मीडिया वालों को कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स लेके आए हैं, वो ऑर्डर्स में किस तरह की सच्चाई है नहीं मालूम, मगर एक मैटर बता रहे हैं कि इसके जरिए यानी कोर्ट ये कह रहा है वो टोटली, बाद में हमारे अपने काउंसिल से मालूम करें तो मालूम पड़ा है कि वो ऑर्डर टोटली मैनिपुलेट है। उसको ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ में हम लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम लोग कोई उनके खिलाफ में फॉल्स प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं, उनके जो गाली करतूते हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उन पर अब तक उन पर क्रिमिनल केसेस बुक है। कितने क्रिमिनल केसेस हैं पर अभी तक? अभी तक तो हम लोग को मालूम पड़े हैं कि 32 से ज्यादा। फरवरी को लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, इंजंक्शन ऑर्डर आया है हम सभी के लिए 32 मीडिया हाउसेस पर, जिसमें प्राइड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल अलीम बेग अलियास सरोवर ने 32 मीडिया हाउसेस पर एक इंजेक्शन ऑर्डर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ ना बताएं ना लिखें और ना बोलें। ये मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी एक क्रिमिनल की तरफ से, एक क्रिमिनल जिसके ऊपर मोर देन 30 FIRs हैं, वो शख्स कोर्ट को जाता है और ये कहता है कि मीडिया वाले मेरे बारे में बता रहे हैं, और वो मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ है और हाईकोर्ट में कल हमारी हियरिंग है डिवीज़न बेंच में, और हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टे लेकर आएंगे और फिर हैदराबाद के उन तमाम लोगों को और उन तमाम क्रिमिनल्स को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग क्राइम एक्टिविटीज़ करेंगे और जो भी करेंगे और हम ना बताएं ये नहीं हो सकता। आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमारा गला दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ और हम सभी लोगों को ये आगाह करना चाह रहे हैं और ये चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऑर्डर्स मत लाइए और मीडिया का गला दबाने की कोशिश ना करें, सच्चाई बताना। ये बता रहे हैं कि 30 उनके पर ऑलरेडी FIRs है जी, और इसके मजीद कितने FIRs है कि आप लोग इसके ताल्लुक से क्या सिटी कर रहे हैं पुलिस? तो देखिए रिसेंटली मिलेंगे क्या, ये देखिए इस तरीके से मीडिया को उन्होंने डराने की कोशिश करा जी, रिसेंटली उसके ऊपर इतने FIRs इशू हो चुके हैं ऑलरेडी, इतने केसेस हैं तो वो अभी तक भी उनके ऊपर मोर देन 32 FIRs है रजिस्टर्ड हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। उनके ऊपर रिसेंटली ED रेड भी हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से उनके प्रॉपर्टीज़ पे, यानी जो भी उनके ऑफिसर्स हैं वगैरह वहाँ पे रेड्स हुए, और हम लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि कई करोड़ ऑफ रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ था। उसकी रिपोर्ट हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो ED की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्रिमिनल आदमी के खिलाफ जबकि इतने सारे FIRs हैं वो खुलेआम फिर रहा है और मीडिया को डरा रहा है, लीगल धमकी दे रहा है कोर्ट के जरिए, वो मीडिया की आवाज़ दबाना चाह रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन और एक बात हम आपको बताते चले कि हमारी अपनी मीडिया के भी दो दल्ले हैं जो खासकर जो है उसके चमचे बने हुए हैं, उनको भी हम आगाह कर रहे हैं, अगर आप लड़ेंगे तो हम भी तैयार हैं, ना ब्रांड इंडिया से डरने वाले हैं ना वो दल्लों से डरने वाले हैं, बना जो भी होगा हम देख लेंगे, हमने उसका जवाब देने के लिए जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इंशाल्लाह यहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा। धमकी वगैरह भी मिली क्या? धमकियाँ तो मीडिया वालों को अक्सर मिलते रहते हैं, हम जिस तरह से कपड़ों को छटकते हैं उस तरह धमकियों को छटकते हैं। बात कर रहे हैं उस केस के ताल्लुक से, कोई धमकी मिली क्या आपको? मैं बोलूँ, एक बहुत बड़ी धमकी आ रही, मैं बोलूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक जर्नलिस्ट तभी कंप्लीट होता है जबकि जब उसके ऊपर कोई धमकियाँ आए और उसके ऊपर कोई केसेस हो। सुनिए सुनिए, आ रहा हूँ ये केस के बारे में, कई लोगों ने हम लोगों को धमकी देने की कोशिश की है और कई लोगों ने डराने की कोशिश की है, और अभी एक घंटा पहले भी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि हम लोगों के ऊपर एक क्रिमिनल केस बुक होने वाला है। वो लोग कोई क्राइम करेंगे, क्रिमिनल केस कैसा बुक हो सकता है? अभी एक साहब वो अपने देश में मशहूर है ना, ऊपर की कमाई नीचे की कमाई, तो बहरहाल
भी होते रहता है, डरने वाली बात नहीं है। क्रिमिनल केस के लिए कुछ थैंक यू।